हाय, आज लॉकडाउन का 6th डे है तो आज भी मैं आ गया हूँ आपके साथ में बात करने के लिए। मैंने कहा चलो आपके साथ में कुछ शेयर करें। कल रात हमारे मोदी जी मेरे सपने में आए और उन्होंने कहा मैंने सारे देश के डॉक्टर्स, पुलिस, नर्सेज सबको मैंने थैंक्स कहा, मगर मैं उन तमाम हस्बैंड्स को थैंक्स करना भूल गया जो 21 दिनों तक अपने ही घर में अपनी पत्नियों के साथ रहेंगे। तो उन्होंने एक काम मेरे को सौंप दिया, थैंक यू कहने वाला। तो मैंने कहा चलो सबका थैंक्स कर देते हैं। तो बात ऐसी है, ऐसा हो जाएगा सोचा तो नहीं था, किसी ने भी नहीं सोचा था, मगर जो सच्चाई है सो तो है ही है। अब 21 दिनों तक रहना तो घर पर ही है और हम सबका सबसे पेट डायलॉग, जा रहा हूँ बड़ा जरूरी काम है, अब ये भी निष्क्रिय हो गया है क्योंकि बाहर ही नहीं जाना, तो ये बात भी काम की नहीं रही। हमारे पास अब एक ही जरूरी काम है और वो है पत्नियों की आंखों में देखना और समझना कि अगला काम क्या करना है। और मेरी वाली की आंखें तो सारे जानते ही हो। खैर छोड़ो, पत्नियों की आंखों में देखकर हम पतियों को वो खौफ नजर आ रहा है जो एक दिहाड़ी मजदूर को अपने ठेकेदार को उस समय देखकर आता है जब वो थोड़े से फ्री टाइम में बीड़ी पीने के लिए बैठ जाता है। तो सुनिए पतियों की व्यथा। 3 कमरों वाले घर में आराम से पकड़े जाते हैं, झट से पत्नी के हत्थे चढ़ जाते हैं। छांट छांट कर काम लाना कभी नहीं भूलती, एक काम पूरा होने से पहले दूसरा ये है ढूंढती। घर बैठे बैठे साक्षात ब्रह्मा पहचानो, इन दिनों पत्नी को परमेश्वर मानो। काम वो जो भी कहे चुप से करते रहो, और हाँ बीच बीच में तारीफों के मोती भी उसकी खिदमत में जड़ते रहो। इन दिनों इस बात के लिए रहना हमेशा तैयार, गलतियां घर में जो भी हो उसके तुम ही हो जिम्मेदार। इन नियमों से घर हो रहे हो तंग तो घर में छिड़ सकती है जंग। सो प्लीज घर में रहो, प्यार से रहो, ऑर्डर लेते रहो, काम करते रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। थैंक यू।